YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। डलहौजी में बीजेपी की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और इस मौके पर नगर परिषद डलहौजी के 4 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई गई है। इस अवसर पर डलहौजी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे डीएस ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत कर सभी मनोनीत पार्षदों को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि डलहौजी नगर परिषद को विकास की ओर अग्रसर करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और बिना किसी राजनीति से डलहौजी को विकास के मार्ग पर ले जाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि डलहौजी विश्व के मानचित्र पर एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने बताया कि डलहौजी में जो सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में समस्याएं आ रही हैं, उन पर जल्द कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि डलहौजी में सरकारी कॉलेज खुलवाने के लिए वचनबद्ध है और जब भी मुख्यमंत्री का डलहौजी दौरा होगा, उम्मीद है कि उससे भी कॉलेज के लिए घोषणा होगी। तो यहाँ पर कॉलेज खुलवाने के लिए वचनबद्ध कहा गया है कि हम वचनबद्ध हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री का अगला दौरा होगा तो शायद वो इस कॉलेज की उद्घाटन की घोषणा कर सकते हैं। और ये भी कहा है कि डलहौजी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे भारत में और मानचित्र में अलग से ही दिखता है। डलहौजी एक अलग ही अपनी पहचान रखता है और यहाँ पर शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर भी बात कही गई है और इनमें सुधार की बात की गई है और जो गलत हो रहा है उसके लिए वो गलत। जहां तक मुझे लगता है कि कई बार ऐसा